हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बैकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। और आज किस वीडियो में जो आप देखने वाले हो ना भाई साहब, वो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। बस वीडियो को आप पूरा देखना। और इस वीडियो में दो बाइक के साथ साथ यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास और जो ऑप्शन आने वाला है इसके कंपटीटर में, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। जैसा कि अगर आप देखोगे तो बजाज की पल्सर RS 200 है और ये है बजाज की पल्सर 220F। दोनों का डिटेल्स कंपेरिजन होगा, व्हिच इज़ बेस्ट, कौन सी बेस्ट है। और हाँ, अगर आप R15 भी देखना चाहो ना तो मेरी देख लो, ये यहाँ पर खड़ी है, ये देखो R15 भी देख लो भैया। और यहाँ पर खड़ी है आपकी पल्सर RS 200। तो तीन गाड़ी का हो गया ना। अब देखो, सबसे पहले इस गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है येलो कलर वाला। कौन सा? येलो वाला, ठीक है ना, LED नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा हेडलाइट प्रोजेक्टर वाला इसमें, लेकिन फ्रंट पे आपका बल्ब भी है। तो ये 65 वाट, ये 55 वाट, और इसमें एक 55 है तो एक 65 है। इसमें भी दो सेटअप दिया गया है, देखता हूँ कैसे जलेगी। ये देखो, ये है 55 जल रहा है और ये है 65 वाट। देखो हाईलाइट तेज कि नहीं, आप देखो ऐसे 10 वाट का फ़र्क है दोनों में। तो ये हाई बीम है और ये लो बीम है। लो आपका 55, हाई भैया 65। अरे बाप रे, इसमें तो गर्मी लग रही है यार, इसे आग निकल रहा है इसके अंदर से। वाह, बहुत ही हॉट लाइट है यार, गजब की। आप देखो यहाँ पर, चलो गाड़ी को हम बंद करते हैं। तो ये हो गई लाइट, और यहाँ पर ये है DRL सामने, और यहाँ पर नंबर प्लेट और विंड ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास पर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा ऐसा। और ये रहा मिरर, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। अब यहाँ पर आपको पाइलर लाइट मिलेगा बल्ब, और यहाँ पर बल्ब की लाइट, प्रोजेक्टर हेडलाइट भी आपका सिमिलर रहेगा। यहाँ पर ग्रिल, यहाँ पर इसमें विंड ग्लास ब्लैक का रहेगा, देखो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मिरर भी आपको इसमें भी एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलने वाला है। तो ये रहा दोनों का फ्रंट का लुक। अब आप बताना कि दोनों का सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। अब देखो इसका जो मडगार्ड है ये इस तरह से है, डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आती है, पल्सर RS 200 वेस पल्सर 220F। इसमें सिंगल चैनल ABS आएगा। इसमें आपका देखो नॉर्मल डिस्क ब्रेक है 280 mm का सिंगल चैनल ABS के साथ। इसमें है 300 mm का डिस्क ब्रेक, वो भी पेटल डिस्क है इसके अंदर। ये देखो आप, पेटल डिस्क ब्रेक आपका डुअल चैनल ABS, इसमें 300 mm का है और इसमें 200 mm का है। इसके अंदर टायर है 90x90 सेक्शन का। इसके अंदर आपका रहेगा 100x80 का, यानी कि 180 का, और 17 इंच की दोनों की व्हील है। साइज दोनों का सेम है। अब ये मडगार्ड भी आप दे सकते हैं दोनों गाड़ियों का। तो इसका मडगार्ड आपका इस तरह से है, ये देखो, और इसका इस तरह से है, ये देखो। उसका थोड़ा लेंथ कम है, इसका लेंथ लंबा है, ये रहेगा। सस्पेंशन दोनों गाड़ियों का देख सकते हैं चेंज है। रिफ्लेक्टर यहाँ मिलेगा, इसका सस्पेंशन देखो इस तरह से है और इसका इस तरह से है, ये देखो। अब ये साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लुक मिलेगा। और इसके अंदर आपको LED वाले इंडिकेटर मिलते हैं, ये देखो आप LED इंडिकेटर। और इसके अंदर आपका मिलता है बल्ब वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास पर, ये देखो इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को देख यार, KTM जो है ना वही इंडिकेटर इसमें आता है, बजाज ही की कंपनी है जो KTM गाड़ी आती है, तो इंडिकेटर सबका सेम है। अब यहाँ पर साइड पर जो है ये फुल फेयरिंग है पल्सर RS 200, ये देखो आप लुक। और यहाँ पर ये देखो पल्सर 220 की लुक। अब ये देखो आप दोनों से इस तरह से देखो आप, अब आप बताओ कैसा लग रहा दोनों का। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका इंजन गार्ड इस तरह से मिलता है पल्सर 220F में, ठीक। और इसमें आपका इंजन गार्ड इस तरह से मिलता है, ये देखो। इसमें आपका सिंगल हॉर्न दिया गया है यहाँ पर। और ये रहा रेडिएटर, यानी कि ये लिक्विड कूल है, ये देखो। यहाँ पर आपका 200 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये इंजन गार्ड इस तरह से, लेग गार्ड यहाँ पर इस तरह से, डबल हॉर्न, और यहाँ पर ये आयल कूल है। तो यहाँ पर ये दिया गया है इसका आयल कूल का सेटअप, ये देखा इस तरह से। अब यहाँ पर जो है ये फेयरिंग आपकी इसमें इस तरह से रहेगी। और फ्यूल टैंक पर इसमें आपका ग्रे कलर का 3D वाला पल्सर की बैजिंग, 15 लीटर पेट्रोल आएगा इसके अंदर, 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और इसमें आपका ब्लैक कलर है, 20 है, ये है इसका टैंक पैड। और इसमें आपका ये कार्बन एडिशन कलर रहेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा सेटअप रहने वाला है इसका, फ्यूल टैंक और फ्रंट का इस तरह से। अब इसमें आपको पल्सर का सिल्वर कलर का स्टिकर है, यहाँ पर इस तरह से रहेगा। इसमें 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है पल्सर RS 200 में। इसका आपका फ्यूल टैंक का कलर रहेगा और E20 इस तरह से रहेगा। यहाँ पर टैंक पैड इसमें इस तरह से दिया गया है, ये देखो आप, ठीक है। और यहाँ पर आपका इस तरह से ये
कूलेंट यहाँ पर पड़ेगा, ये देखो कूलेंट का कैप है। और ये रहा इसका हैंडल बार, इसमें भी आपको हैंडल बार स्प्लिट यानी अलग अलग मिलता है। हैंडल बार में लाइट भी आपको इसमें ब्लू मिलेगा, ये देखो, और इसमें भी आपको ब्लू मिलेगा, ये देखो ब्लू कलर की इसके अंदर हेडलाइट दी गई है। तो ये चीज़ कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। और इसका जो ये आपका सेटअप है ना, ये कंसोल, ये हैंडल का, ये आपका यही वाला है पल्सर 220F वाला, ये देखो आप कलर भी मैच है और मॉडल भी। बार एंड इसमें इतना बड़ा है देखो ये, और इसमें थोड़ा सा छोटा है, ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन, इसमें इस तरह से है, इसमें इस तरह से है, फ़र्क है कि नहीं। अब इसके अंदर ये हो गया, अभी देखो आप इसका जो कंसोल है इसके अंदर ये इस तरह से गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड, क्लॉक, और यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, और ये देखो आप ट्रिप 2 हो गया, डिस्टेंस 2 MPT है, और ये देखो आप पूरा यहाँ पर फ्यूल, यहाँ पर RPM, यहाँ पर आपके ये सारे इंडिकेशन दिए गए हैं, ये देखो आप, ठीक है। ये पूरा बैटरी का, और उसके बाद इंजन टेम्परेचर का, न्यूट्रल, इंडिकेटर, बजाज पासिंग, ये फाइल लाइट सब यहाँ पर सेटअप दिया गया है। ये रहेगा RPM लिमिट, यहाँ पर सेट मोड का बटन, डुअल टोन फिनिशिंग डैशबोर्ड, यानी सेमी कंसोल इसके अंदर भी है एनालॉग और डिजिटल, और इसमें भी आपका सेम है, लेकिन इसके अंदर भैया गियर इंडिकेटर और ना क्लॉक ये नहीं दिया गया है, ये देखो आप, बाकी साइड स्टैंड और ये सब आपका सब रहेगा, ये देखो, ये देखिए, यहाँ पर आपका फ्यूल बताएगा, यहाँ पर आपका स्पीड, ये सब कुछ रहेगा, इसमें भी आपको मिल जाएगा सारे फीचर, ठीक है। इसमें ABS का लाइट यहाँ पर है, न्यूट्रल, इंडिकेटर, पासिंग, यहाँ पर आपका रिसेट का बटन, ये है इसका फुल डैशबोर्ड, ये देखिए इसका हैंडल बार, यहाँ पर आपका हाई लूबिम, टच सिग्नल, हॉर्न, पासिंग, इंजन स्विच, किल, ये सब पूरा रहेगा। ये इग्निशन है, इसकी चाबी इस तरह से है, और इसकी चाबी इस तरह से है, ये देखो, ठीक है, पल्सर RS 200 की चाबी इस तरह से दी गई है जैसा आपने देखा, और इसकी चाबी इस तरह से है, ये देखो, ये ठीक। तो इसमें आपका 13 लीटर आएगा, इसमें आपका 15 लीटर आएगा। आप देखो आप इस साइड से, इसका जो इंजन है यहाँ पर ओपन इंजन रहेगा, और इसका जो है ये आपका फेयरिंग में रहेगा, ये देखिए आप, इसमें आपको 200 सीसी का इंजन मिलता है और इसमें 220 सीसी का इंजन मिलता है। आप सबसे एंटिक चीज़ क्या पता है, अब इसमें 220 सीसी जो इंजन मिलता है तो आयल कूल है, इसमें आपको 200 सीसी में लिक्विड कूल दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये गाड़ी है और R15 version 4 है, चाहे version 3 हो, वो फुल फेयरिंग जो बाइक होती है ना उसका इंजन जो होता है वो ढका रहता है, तो गर्म ज़्यादा होता है, इसलिए लिक्विड कूल बना के देती है कंपनी, और उसमें एयर कूल है और आयल कूल है, यानी कि खुला इंजन है तो जल्दी ठंडा होगा इसलिए। अब इसके अंदर आपको मिलता है 6 गियर, देखो आप 6 गियर, और इंजन जो है इसके अंदर भैया वो लिक्विड कूल इंजन आपको मिलता है, 199.5 cc FI इंजन है, 3 स्पार्क प्लग है, 3 प्लग है और 4 वाल है, BS6 OBD2 BS7 भी है, DTSI इंजन है, लिक्विड कूल, मैक्सिमम पावर 18 kW है, 18 kW, और उसमें आपको मिलेगा 15 kW पल्सर 220F में, इसमें 24.5 PS है, उसके अंदर 20.5 PS है, 20.4 PS है पल्सर 220F में, और इसमें 9750 RPM पे है मैक्सिमम, और इसमें आपका 8500 RPM है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम टार्क इसमें 18.7 Nm का 8000 RPM पे, और उसमें जो मैक्सिमम टार्क है वो है 18.55 Nm 7000 RPM पे, तो ये डिफरेंस है। और माइलेज आपको ये 35 से 40 का दोनों गाड़ी लगभग सेम निकालेगी माइलेज, इसमें 6 गियर और इसमें 5 गियर आपका रहेगा। अब दोनों गाड़ियों में भाई साहब ना आपको किक मिलेगा, ये देखो आप दोनों गाड़ियों में किक नहीं मिलेगा, इसमें डबल स्पार्क प्लग है, 2 वाल है, इसमें आपका 3 स्पार्क प्लग है, 4 वाल है, बाकी उसमें लिक्विड कूल है और इसमें आपका एयर एंड आयल कूल है, ये देखिए इसका इंजन माइलेज लगभग दोनों सेम देंगे। इसका जो चेसी है भी आपका भाई मेटल पे है, इस तरह से चेसी रहने वाला है इसका, आपका फ्रेम क्रेडिबल यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से इसका चेसी है जो आप चौड़ा चौड़ा देख रहे हैं वाइट कलर का, ये इस तरह से रहेगा। अब इसका जो एग्जॉस्ट साइलेंसर ये इस तरह से इतना बड़ा दिया गया है, और इसका जो साइलेंसर है ये आपका स्मॉल सा है, छोटा सा, आवाज़ भी आपको सुनाता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। ये है पल्सर RS 200 का साउंड, और आप देखो आप पल्सर 220F का साउंड, वैसे अगर देखा जाए तो इसकी जो आवाज़ है ना वो बंधी आवाज़ है। आप सीट आप देखो तो पल्सर 220F की जो सीट है वो आपको इस तरह से स्प्लिट में मिलेगी अलग अलग,
दानेदार बढ़िया, ज़्यादा ऊंची नहीं है एक दूसरे से, और इसकी जो सीट है ये एक दूसरे से ज़्यादा ऊंची है, ये भी स्प्लिट में ही है लेकिन ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पे आपको RS 200 की ब्रांडिंग भी बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है, स्टिकर आपका वाइट और ब्लैक पे रहेगा, ये देखो आप, ठीक है। और साइड का जो पैनल है यहाँ पर इस तरह से रहेगा, और इसका जो साइड का पैनल है ये देखो आप, इस तरह से रहने वाला है टेक्सचर डिज़ाइन ग्रिल के साथ। और यहाँ पर आपका ये 220F का ब्रांडिंग, स्प्लिट में आपका ग्रे ब्रेल, और ये नीचे आपका इस तरह से ग्राफिक्स मिलेगा, ये देखो एकदम मस्त। और यहाँ पर आपका ग्रेबरेल यही रहेगा फाइबर का ही जो है, ये देखो आप, ठीक है, ये आपका डिफरेंस रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ का मैं बोलूँगा भाई कि दोनों गाड़ियों में अगर मजबूती देखा जाए तो आपको पल्सर 220F में ज़्यादा मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपका ये देखिए गियर लेबर इस तरह से है, चैन कवर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गियर लेबर इसमें भी मिनी रहेगा इस तरह से, और ये देखो आप इसमें आपका चेन कवर के साथ अंडर कवर है, यहाँ पर सारी गाड़ी इसका स्विंग आर्म इसमें भी आपका लोहे का ही रहेगा। ये आप देख सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें नाइट्रोक्स वाला है, और उसमें आपका ये बाहर से सस्पेंशन दिया गया है, ये आप देखिए, ठीक है, डबल ये आपका रहेगा, ये आपका है नाइट्रोक्स वाला ये भी है, लेकिन 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक में आता है। यहाँ पर सारी गार्ड ये देख सकते हैं पूरा, और इसमें आपका 230mm का डिस्क ब्रेक इसके अंदर भी दिया गया है, और इसके अंदर भी आपका 230mm का दिया गया है, लेकिन आपको 220F में ABS नहीं रहेगा, इसमें आपको ABS भी मिल जाएगा, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके जो टायर्स हैं वो इस गाड़ी में आपको MREF का दिया गया है, और 130/70 का है, और इसके अंदर आपका 120/80 का है, ठीक, यानी इसका चौड़ा ज़्यादा है RS 200 का, इसमें MREF का, इसमें CZ का टायर है, और बाकी डिस्क ब्रेक का साइज सेम है, बस इसमें ABS आपको मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा। ये रही इसकी तेल लाइट, ये देखो आप तेल लाइट जो है वो अगर आप देखोगे तो ये भैया सबसे गजब का रहने वाला है, ये देखो LED तेल लाइट, वो भी ग्लास देखो आप पहले, गजब का इसके अंदर ग्लास मिलता है आपको। यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट वाइट है, ये आपका रहेगा, ये देखो आप पूरा सेटअप यहाँ पर आपका मिल जाता है, ये देखिए आप, ये रिफ्लेक्टर है, ये पूरा सेटअप देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये पीछे का फेंडर है, आप इतना लंबा चौड़ा है, इसमें आपका उस तरह से नहीं रहेगा, इसमें आपका इस तरह से रहेगा, ये आपका फेंडर रहेगा, इसके अंदर भी आपको LED तेल लाइट मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगी, ये देखिए ये, ठीक है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है इसका प्राइस, और उसके बाद इसका ग्राउंड क्लियरेंस। देखिए सबसे पहले अगर बात करें भाई इन दोनों गाड़ियों में, पल्सर RS 200 का तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 1114 mm की हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm है, वज़न है 166 किलोग्राम, ठीक। अब पल्सर 220F का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, यानी कि ज़्यादा है, अच्छा है, आप रोड पर ख़राब सड़क पर ज़्यादा बेहतर चलेगी, और वज़न है 160 किलोग्राम, और हाइट है 1165 mm, और प्राइस है 162,850 रुपये पल्सर 220F की, और पल्सर RS 200 की कीमत 199,600 रुपये। अब आपको जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, और यमहा R5 वर्जन 4 की प्राइस है भैया 234,000, आप समझो आपको कौन सी लेनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो।